नमस्कार फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरा टॉपिक पेरेंट्स के ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है पेरेंट्स ही अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वे जानते हैं कि कैसे। कंपटीशन का युग है, सबको अपने बच्चे को सब में फर्स्ट लाना है, या तो यूं कहें कि उसे एक सुपर चाइल्ड बनाना है। चाहे वो पढ़ाई हो, एकेडमिक्स हो, वे उसमें अच्छा हो, डांस म्यूजिक भी करता हो, हेल्दी खाना खाता हो, जंक फूड को तो वो छुए भी ना, उससे कोसों दूर रहे, रीडिंग की उसकी अच्छी हैबिट हो, हर कंपटीशन में जीत जाता हो, ये सारे उनको स्पेसिफिकेशंस अपने बच्चे में चाहिए। लेकिन मैं पूछती हूँ, पेरेंट्स होने के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए? आप अपने बच्चे को खुश रख सके उसके रूल्स कौन डिसाइड करता है? बच्चे के लिए सैकड़ों ट्रेनिंग होती है, लेकिन पेरेंट्स को अच्छी पेरेंटिंग देने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ये बहुत गलत है। माता पिता अधिकतर बच्चों के ही दुश्मन होते हैं। वे काफ़ी कोचिंग में इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, भागते हैं, पर घंटा दो घंटा वैल्यूज संस्कार की बातें नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ बैठ के। बच्चा जरा सा रो दे, हम उसे मोबाइल फोन दिला देते हैं, PS3 P4 तक दिला देते हैं, चॉकलेट बार थमा देते हैं। कंपटीशन की एक होड़ सी लगी हुई है। फलाने ने अपने बच्चे के लिए आईपैड दिलाया, हम क्यों पीछे रहे? अच्छा, उसका बच्चा कार चलाने लग गया, उसके पास वो सेट है। एक होड़ सी लगी हुई है। आप अपने बच्चे को छोटा सा काम तक करने नहीं देते। क्लास 12th में पहुंच जाता है, बैंक में चेक डालना नहीं आता, कपड़े फोल्ड करने नहीं आते, शू को पॉलिश करना नहीं आता। अरे, जब तक बच्चा किसी चीज को सीखेगा नहीं, पाने की मेहनत नहीं करेगा, उसको उसकी वैल्यू नहीं होगी। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो निराश रहता, डिप्रेस होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको कभी पहले असफलता का स्वाद ही नहीं चखने दिया, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा। सोचिए, आज क्लास 3rd-4th के बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसके जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स ने एक ह्यूज कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिया है। आज समर ब्रेक हुआ नहीं, कौन कहाँ घूमने जा रहा है, कौन अपने बच्चे को किस क्लास में भेज रहा है, सांस तक लेने नहीं देते। फिर सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, देखो वो कितना अच्छा है, वो फर्स्ट आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चा निराश रहता है। माता पिता को ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब पेरेंट्स को ये नहीं सिखाना है कि सीमित दुनिया में रह रहे हो, उसे कहना है कि असीमित अपॉर्चुनिटीज है, उसे जाओ ग्रैब करो। अब बच्चे को ये नहीं कहना है कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, अब सिखाना है कि पैर फैलाओ और चादर भी बड़ी करो। अब उसे अपनी पुरानी कहानियां मत सुनाइए कि मैं इतने किलोमीटर पैदल चलता था, साइकिल चलाता था, पैसे नहीं थे, हम गरीब थे, वगैरह वगैरह। उसे बताइए बड़ा कैसे बनना है। सोच बदलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। बच्चे को फ्यूचरिस्टिक तरीके से बड़ा करने की जरूरत हो गई है, तभी उसका भविष्य उज्जवल होगा, वो हैप्पी रहना सीखेगा और एक सक्सेसफुल लाइफ जिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव ए ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।